वहाँ बुलाने के लिए 2 महीने से सोशल मीडिया से चलाना पड़ता है, 10 बार फोन करो, 1 बार कोई फोन नहीं उठाता है। नमस्कार। साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में देश की एक बेटी के साथ हुई भयानक और दर्दनाक वारदात ने पूरे देश को हिला के रख दिया। तमाम लोग पूरे देश में सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्च निकाला गया, इंसाफ के लिए लड़ाई आगे बढ़ने लगी। जी हाँ, हम बात उसी निर्भया की कर रहे हैं। 2012 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त पूरे देश में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे, निर्भया के लिए आवाज़ बुलंद हुई थी, निर्भया को इंसाफ दो की आवाज़ के साथ गलियां और सड़कें गूंज रही थी। लेकिन आज 2016 में क्या वाकई वो तमाम लोग जो उस वक्त 2012 में उस आंदोलन में साथ खड़े होके यहाँ तक पहुँचे थे, और हम इसलिए इस लोकेशन पे भी आपको लेके आए हैं, उनके पेरेंट्स को लेके आए हैं। राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, और याद होगा उस वक्त की तस्वीर 2012 में इसी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ठीक बाहर जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, उन बैरिकेड्स के पास हज़ारों की तादाद में युवा, नौजवान, हर तबके का आदमी यहाँ मौजूद था, पुलिस की लाठियाँ खा रहा था, टियर गैसेस चल रहे थे, वाटर कैनन्स चल रहे थे। लेकिन उस वक्त वो लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन तस्वीर 2012 के बाद बदल चुकी है। जैसा मैंने कहा, निर्भया के पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हमने आग्रह किया बातचीत के लिए और उन्हें यहाँ लेके आए। माता जी, सबसे पहला सवाल, 2012 और 2016, 4 साल बीत गए, 4 साल में क्या चीज़ें नई आपको लगता है आपके दिमाग में अब आती हैं? कितना फ़र्क आ गया है 2012 में जब इतना बड़ा हुजूम उस आंदोलन के साथ खड़ा था, और आज 2016 में जब आप दोनों खड़े हैं, पीछे कोई दिखता है? नहीं, बहुत फर्क आ गया, बहुत चीज़ें बदल गई। अब जो थोड़ा बहुत जुड़ाव रह गया वो सोशल मीडिया, ट्विटर से रह गया, फिर भी मैं तमाम उन सब बच्चों और युवा और सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया को शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको कोई नहीं जानता था, निर्भया को कोई नहीं जानता था, फिर भी एक अनजान बच्ची के लिए दुनिया खड़ी हो गई। मैं यहाँ पे इसलिए आ जाई हूँ कि उस समय की हालात आज भी बदली नहीं है, 2-2, 3-3 साल के बच्चियों के साथ हो रहा है, तो हमें यही लोगों तक पहुंचाना है, यही लोगों से कहना है कि वही हजूम की आज भी ज़रूरत है, वही आंदोलन की ज़रूरत है। अगर वाकई में हमें अपने बच्चों को बचाना है, महिलाओं को सुरक्षा करना है, तो उसी आंदोलन और उसी हजूम की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बच्चियां कभी सुरक्षित नहीं होगी और हमारे जैसे लोगों को कभी इंसाफ नहीं। अच्छा माता जी, 2012 में जिस तरीके से आंदोलन खड़ा हुआ था, उस वक्त ऐसा लगता था सब कुछ बदल जाएगा, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे अब बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, प्रशासन, सिस्टम सब कुछ इस तरीके से काम करेगा कि अब अपराध बच्चियों के खिलाफ जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, अब ऐसा किसी दूसरी, कोई दूसरी निर्भया ऐसे इस अंजाम तक, इतने दर्दनाक तरीके से उस अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन लगता है 2012 के बाद 2016 में हम आ गए हैं, कुछ बदला है? बिल्कुल नहीं बदला है, सुरक्षा के नाम पे तो बिल्कुल नहीं बदला है। आज भी हम वहीं की वहीं खड़े हैं, मैं वही इंसान हूँ जो 4 साल से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन इतना आंदोलन और इतना संघर्ष के बावजूद आज भी निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उल्टा बल्कि एक और छूट, एक मुजरिम उसमें से छोड़ दिया गया। चलिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें हमारी बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा। सर, आपसे एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, उस वक्त तो आप लोग उसमें शामिल नहीं थे क्योंकि उस वक्त जो हालात थे आप किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं थे, टेलीविज़न पे आप देखते थे, ये पूरा हिस्सा
मैं उस वक्त यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरे पीछे फ्रेम में ये पूरा हिस्सा ऐसे भरा हुआ दिखता था जैसे लाखों की भीड़ यहाँ इस पूरे हिस्से में मौजूद है। लेकिन आज दौर इस तरीके से बदल गया कि अब फ़ोन करके लोगों को याद दिलाना पड़ता है 16 दिसंबर है। अफसोस है इस बात का बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को पूरी तरह से हम नहीं कह पाएंगे कि लोगों का साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हाँ दिख तो नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा कि हमारे साथ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अगर हमारा समर्थन नहीं करते, साथ नहीं देते आज भी, तो आज भी मैं खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उतने तादाद में जो लोग जिन्होंने लाठियां खाई, किसी के पैर खराब हुए, किसी की आँख चली गई, इस तरह बहुत बड़ी हादसा हुआ उस समय भी, लोग मिलते हैं तो एक अलग भावना से मिलते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जुड़ पा रहा है या कोई नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण सिर्फ एक यह है कि उनको पता है कि हमारे देश में कोई न्याय नहीं है। समय बदला लेकिन हालात नहीं बदले। मैं बड़े दुख से यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर लाठियाँ चली थी, लोगों के क्या क्या दुर्दशा हुआ था। आपको वाटर कैनन चल रहे थे, बिल्कुल लोगों की पिटाई हो रही थी, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। इसी बात को मैं बार बार कहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने लूटा हमें नहीं गम था, लेकिन अपनों ने हमें लूटा इसका हमें गम है। लेकिन हम आज भी यही कहना चाहेंगे जो मौजूदा सरकार है कि अब चुप्पी तोड़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लोग तो लग गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, लेकिन इसमें आधा ही मिला, बेटी सिर्फ पढ़ाओ, बचाओ कैसे बचाओ। माता जी, ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा उससे आगे बढ़ते हुए इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। क्या समाज ने, क्या लोगों ने उस 2012 के भयानक जो भयावह जो वो घटना हुई थी, उसके बाद लोगों ने कुछ सीख ली? क्या हमने कुछ सीखा? सिस्टम और सरकार पे हम बाद में आएंगे, क्या हम लोगों ने कोई सीख नहीं सीखा? अगर सीखा होता तो हमारे बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता। सबको पता होना चाहिए कि अगर मेरे निर्भया को अगर श्रद्धांजलि देनी होती तो मैं घर में भी पूजा पाठ करा के दे सकती थी, लेकिन मेरे को पता है मेरी बच्ची वापिस नहीं आएगी। लेकिन मैं उस बच्चों की मार, जो बच्चों ने मार खाया, जो बच्चों ने गैस के गोले खाए, उस बच्चों से मैंने सीख लिया, मैंने आपको खड़ा किया, मैंने बाहर लाई। लेकिन फिर भी आज कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या 4 साल से निर्भया का ही रेप होता है? ये आप कहीं ट्विटर पे पढ़िएगा, क्या 4 साल से यही निर्भया का ही रेप होता है और बच्चियाँ सुरक्षित हैं? तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उसके बाद कुछ किया? हमने तो अपने बेटी को खो के हमने दूसरे बेटियों के लिए बाहर आके अपने जान की बात की। 2012 के बाद आपने क्या किया? क्या किया उन लोगों ने, क्या किया जो 2012 में यहाँ थे? हाँ। उसके बाद 4 साल तक क्या हुआ? क्या हुआ, क्या किया? सिर्फ ट्विटर पे किया, फेसबुक पे किया, वर्चुअल वर्ल्ड में किया? क्या ग्राउंड जीरो पे कोई आया आपके साथ? नहीं आया। कोर्ट में कोई खड़ा होता है? नहीं, कोर्ट में खड़ा होता है। आप जहाँ, अगर 10 लोग खड़े हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो 20 लोग खड़े हैं उनको बचाने के लिए, तो नहीं बदला। अगर हम ये जो 16 दिसंबर का जंतर मंतर पे रखते हैं, हम समाज के लिए रखते हैं। हमारी तो ये सोच है कि जो हमारे साथ हुआ, हमारी बच्ची के साथ हुआ, और माँ बाप को ना भुगतना पड़े। लेकिन मुझे वहाँ बुलाने के लिए 2 महीने से सोशल मीडिया से चलाना पड़ता है, फोन कर 10 बार फोन करो, 1 बार कोई फोन नहीं उठाता है। तो यही लगता है कि नहीं, जो कुछ हुआ भूल गए। आज भी जो कुछ हो रहा है हम भूल जाते हैं, खा के पचा जाते हैं। हम कहते हैं कि लोगों की मानसिकता खराब है, चलो जो थोड़े लोग हैं मानसिकता खराब है, लेकिन हमारी भी तो मानसिकता खराब है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम इंसाफ के लिए क्या कर रहे हैं? हम बच्चियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? चलिए, एक और अहम बात है, हमने कहा कि लोगों ने कोई, आपने कहा लोगों ने, हम सब ने कोई सबक नहीं लिया, क्या सरकार या सिस्टम ने कोई सबक लिया उस घटना से? बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। हम आज 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि कम से कम जो रेप बलात्कार की घटनाएं हैं, जो मर्डर की घटनाएं हैं, कम से कम इन सबों को एक निर्धारित समय करके रूल के हिसाब से जो भी होता है, समय से अगर सजा मिले तो शायद लोगों को डर हो, लेकिन नहीं। भाऊजी, आपसे एक सवाल,
सिस्टम से कितनी उम्मीद है, न्यायपालिका से कितनी उम्मीद है, और आप जब कहते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई होती है, सुनवाई पे आते हैं, कितनी आस है कि न्याय मिलेगा, जो न्याय दिल में सोचा है माँ ने, जो पिताजी ने, कि अपने बेटी के लिए ये न्याय चाहिए मुझे, ये इंसाफ होगा मेरी बेटी का के लिए। देखिए, हमारे मन में जो है कि हमें न्याय जो मिलेगा, हम किसको न्याय कहेंगे, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, हमारे लिए कोई न्याय नहीं है। उनको फांसी जिस दिन मिल जाएगी, हम समझे कि हमको न्याय मिल गया। और सिर्फ निर्भया को नहीं, निर्भया के माता पिता को ही नहीं, ये पूरे समाज को न्याय मिल जाएगा जो सड़कों पर बैठ के आंसू बहाए हैं, लाठी खाए हैं। और आप हमेशा कहती हैं कि मैं सड़क पर अब निकलती हूँ तो हर बेटी जो सामने से गुजरती है उसमें निर्भया दिखती है मुझे। देश की बेटियों से कुछ कहना चाहती हैं यहाँ देख के जो बेटियाँ, जो परिवार वाले आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो मैं तमाम देश के माँ और बाप से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बेटा बेटी है तो उसमें फर्क मत कीजिए, दोनों को समान शिक्षा दीजिए। क्योंकि हम बेटियों को तो कह देते हैं बेटा ये नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं जाना, लेकिन हम बेटे को कभी नहीं कहते कि नहीं बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें बेटे को भी आज समझाने की ज़रूरत है कि नहीं बेटे, बाहर जब निकलते हो तो जो भी आपकी दोस्त है, महिला है, आप उसको अपने दोस्त समझो, दोस्त ही दोस्त समझो, बहन समझो, उसका मान सम्मान दो। बाकी बच्चियों से हमारा यही है कि आप कहीं भी हैं, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, कहीं भी हैं, अगर आपके अगल बगल कुछ आपको नज़र आता है कि नहीं किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो आप इग्नोर मत कीजिए, उसका साथ दीजिए और इस क्राइम के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। क्योंकि जब तक हमारे पे ये अपराध हो रहे हैं, हम सब सहते रहेंगे तब तक होता रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम आने वाले समय में इस बुराई से शायद मुक्त हो पाएंगे। 16 दिसंबर 2012 के बाद हर रोज़ इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं आप कि जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता रहता हूँ और जब भी आपसे कहता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, आप ज़रूर आप अपने मन की बात कहती हैं, और मुझे भी उम्मीद है कि न्याय एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इसमें बहुत बोझ रहता है। कई जगह लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, हिम्मत नहीं है। उस दुख से हमें हिम्मत मिलती है, इस दुख को, इस तकलीफ को मैं इस समाज से हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को हर रोज़ खड़ा करती हूँ, हर शाम टूटती हूँ, हर सुबह खड़ा करती हूँ मैं। चाहे हमारा समाज समझे चाहे ना समझे, या भगवान के ऊपर है।